वेलकम बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड रिटार्डेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड वेलोसिटी। यहाँ बच्चों हमको अल्फा और बीटा के साथ एक्स दिया गया है, देखो घुमाया क्या गया है। तुम लोग जानते हो कि वेलोसिटी जो होती है वो डी एक्स बाई डी टी होता है और एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। जनरली हमको वेलोसिटी को एक्स के टाइम डेरिवेटिव के रूप में निकालना होता है और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव के रूप में निकालना होता है। लेकिन यहाँ गजब का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे दिया जाता है। यहाँ टी फंक्शन है एक्स का, यहाँ टी इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा से बेसिक क्लैरिटी होती है कि अगर एक्स दिया गया होता टी का फंक्शन, जैसे इधर एक्स होता यहाँ अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी होता, तब तो बड़े आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते टी के रेस्पेक्ट में और हमको इसका रिजल्ट मिल जाता बड़े आराम से। लेकिन अब यहाँ उल्टा दिया गया है, टी इज फंक्शन ऑफ एक्स। जनरली यहाँ एक्स जो होता था वो टी का फंक्शन होता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, टी जो है वह एक्स का फंक्शन है। अगर टी एक्स का फंक्शन है, अगर एक्स टी का फंक्शन होता था तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाता था। तो अब यहाँ उल्टा दे दिया गया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जब इस तरह का प्रश्न दिया हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये फंक्शन उल्टा दे दिया है तो हम काम भी उल्टा करना शुरू करते हैं। अब हम लोग डी एक्स बाई डी टी ना निकाल कर डी टी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इधर एक्स होता इधर टी का फंक्शन होता तो हम डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी निकालते, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा निकाल देंगे तो डी टी बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। और तुम जानते हो जब डी टी बाई डी एक्स करोगे तो ये वन बाई वी ना हो जाएगा। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी टी बाई डी एक्स और उसको बाद में लिख देंगे वन बाई वी, सिंपल। तो यही काम हम लोग करने अब चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये हमारा गिवन है, लिख लेते हैं। देन डी टी बाई डी एक्स, चलो निकालते हैं डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है ना। अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, प्लस बीटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2x प्लस बीटा, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। इसको तुम लिख दो 1 बाई वी, क्या लिख दो, अभी हमने बताया कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v होता है। तो dt टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई वी, ठीक है, कोई बात नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हमारा वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ रिटार्डेशन। क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको रिटार्डेशन यानी ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू होती है dv बाई dt, ठीक। अब फिर यहाँ पे चक्कर आ गया कि भाई ये फिर x के टर्म में ही दिया है, तो हम यहाँ पर dv बाई dt को क्या लिखते हैं, वेरिएबल को फट से चेंज करेंगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt। अब dv बाई dx यानी कि d बाई dx ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू को रखेंगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ये रख दिए, और इंटू dx बाई dt, इस dx बाई dt को हम लिख दिए v। क्योंकि आंसर हमको v के टर्म में लाना है इसलिए v को हम टच नहीं करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस वन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन इंटू चेन रूल लगा रहे हैं डी बाई डी एक्स, फिर इसका निकालेंगे टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ये वेलासिटी को पूरा बाहर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर भी इसको रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर माइनस टू, ठीक, डी बाई डी एक्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस जीरो, टू अल्फा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन, टू अल्फा आएगा प्लस जीरो आएगा, ये पूरा बॉक्स में बंद कर दो, ये हो गया वी, तो ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा, माइनस टू अल्फा वन अपान माइनस टू अल्फा, इसको वन अपान टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर टू हो जाएगा नहीं इंटू वी। अब बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा वन अपान टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपान टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, वन का स्क्वायर वन होता है, इक्वल टू माइनस टू अल्फा, ये क्या है वन अपान टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तुम देख रहे हो वी के बराबर आ गया, इसको वी स्क्वायर लिखो, और यहाँ एक वी पहले से है, क्या हो जाएगा ये माइनस टू अल्फा वी क्यूब, ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टू अल्फा वी क्यूब ये हमारा क्या है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके कंपटीशन का हल हो गया, यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल भी लग रहा है, और जब टाइम दिया है तो हम उल्टा निकाल दिए हैं डी एक्स बाई डी टी, और इस तरह से बढ़ते हुए ये मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको अब नहीं होने वाली। हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ टाइम नहीं दिया गया है, बिना टाइम दिए हुए आज आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन है, इफ़ द वेलासिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 180 माइनस 16 एक्स टू द पावर हाफ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर ध्यान देने की ये चीज़ है कि यहाँ पर टाइम आपको दिया ही नहीं गया है, और जो वेलासिटी दी गई है उसका जो वेरिएबल है वो भी टाइम नहीं है बल्कि एक्स है, जो कि पोजिशन हुआ करता है। तो इस तरह के विशेष टाइप के क्वेश्चन, ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, देखते हैं काइनेमेटिक्स में किस तरह से इसको लगाएंगे। दिया क्या गया है v इक्वल टू 180 माइनस 16 एक्स टू द पावर 1/2। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो तुम जानते हो a इक्वल टू होता है dv बाई dt, लेकिन यहाँ जो वेलासिटी है ये टाइम का वेरिएबल नहीं है, वेलासिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स हियर, यहाँ वेलासिटी को एक्स के फंक्शन के रूप में दिया गया है, तो अगर इसको एक्स के फंक्शन के रूप में दिया गया है तब हम डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का फार्मूला हमने लगा दिया है डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब d by dx of v, अब देखो यहाँ dv by dx तो 180 माइनस 16 एक्स पावर हाफ हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम लिख देते हैं फिर से v, dx by dt is velocity, तो रख दिया। अब देखते हैं ये हो जाएगा चेन रूल से इसको लगाते हैं 1/2 180 माइनस 16 एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, है ना, डी बाई डी एस ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा दिया है, इंटू डी बाई डी एक्स फिर से करेंगे किसका, 180 माइनस 16 एक्स का,
इंटू वी को ऐसे पड़ा रहने देंगे, यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 180 - 16x^-1/2 इंटू d/dx 180 हो जाएगा 0 माइनस d/dx 16x ये हो जाएगा 16 इंटू वी। थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 180 - 16x^+2। इस माइनस हाफ को हमने डिनोमिनेटर में ला दिया, हो गया प्लस हाफ। यहाँ ऊपर क्या आ गया, -16 आ गया। ध्यान देना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्ष की वैल्यू नहीं दी गई है, टाइम की वैल्यू नहीं दी गई है, फिर भी हमको ए निकालना पड़ रहा है। और यहाँ ए की वैल्यू गजब की कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वेरिएबल नहीं आएगी। 2 से यहाँ काट दो, आ जाएगा -8। 2 8 + 16 -8। ध्यान करो, 180 - 16x^2 180 - 16x^2 यह वैल्यू हमारी हो गई है वी। 180 - 16x^2 को हम लिख देते हैं क्या, वी। 16 कट गया है, हो गया है -8 इंटू ये क्या बचा हुआ है, वी। ये हमारा बॉक्स में जो ब्रेकेट में था वो ये चीज़ आ गई, और यहाँ वी वी कैंसिल आउट हो गई। अब बताओ बच्चों, ए इक्वल टू क्या आ गया, -8। और ये यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल्स का हमने ला लगा दिया है, जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दी गई है, एक्स के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो कोई बात नहीं है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx/dt बगल में आगे बढ़ा देंगे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग को देखना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस एडवांस में आता है।